Very good morning to all of you. Now we have to start harmonic progression. In previous lecture we have seen geometric progression in second chapter. Now we have to do harmonic progression. Now what is harmonic progression? Sequence in series mein harmonic progression. Suppose मान लिया T1, T2, T3 up to TN are in harmonic progression for TN, for TN not equal to 0. For all n belongs to n, ठीक है? Then अगर मान लिया if करके चल रहे, if T1, T2, T3 up to TN are in harmonic progression for this one, then 1 upon T1, 1 upon T2 up to 1 upon TN are in AP means arithmetic progression. HP means harmonic progression. इसका कहना यह है कि सपोज अगर T1, T2, T3, T1, T2, T3 up to TN are in HP, मतलब harmonic progression में है, तो for any TN not equal to 0, then 1 upon T1, 1 upon T2, 1 upon TN, up to 1 upon TN are in AP, arithmetic progression. Or we know very well about arithmetic. For arithmetic progression, n term in arithmetic progression, we know that nth term in AP is TN equal to, क्या होगा, TN equal to A plus N minus 1 into B. इससे भी ले लगता है, and SN equal to 1 N by 2 2A plus N minus 1 into D. इससे रिप्रेजेंट. तो ध्यान रखिएगा, हमको जब कभी भी, जब कहीं भी, when we find HP, n term of HP, then we have to find n term of AP. Because we know that T1, T2, T3 up to TN are in HP, then 100% 1 upon T1, 1 upon T2 up to 1 upon TN in AP, that is arithmetic progression. Or we know very well about arithmetic progression, n term in AP given by TN A plus N minus 1 into D and total sum of n term N by 2 2A N minus 1 into D. यहां पर अपन ने इसके पहले we have seen AP, GP and HP, arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. अब सपोज इनके लिए, सपोज टू टर्म्स आर देयर, सपोज एक्स एंड वाई टू टर्म्स या टू नंबर्स टर्म्स आर देयर, देन एपी इक्वल टू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय 2, AP इज गिवन बाय दिस वन, GP इज गिवन बाय XY एंड रूट XY एंड HP इज गिवन बाय 2XY डिवाइड बाय X प्लस 1. याद रखिएगा, अगर टू टर्म्स हैं यहां पर,
तो ये इससे दिया जाता है एपी एपी जीपी और एचपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, याद रखिएगा इससे दिया जाएगा। और मान लो इसी को एक्सटेंडेड फॉर्म में देखें हम, सपोज अगर एक्सटेंड करके देखें तो टू टर्म्स नहीं एन टर्म्स है, सपोज एन टर्म्स, फॉर एन टर्म्स, तो एन टर्म्स के लिए ए बी तो मालूम है, ये फॉर एन टर्म्स दैट इज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू एक्स एन, ठीक है, ए बी हो जाएगा एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन डिवाइड बाय एन, एंड जी बी इज गिवन बाय रूट एक्स वन डॉट एक्स टू मतलब मल्टीप्लाई बाय एक्स थ्री डॉट अप टू एक्स एन, एंड एच पी एन डिवाइड बाय एन डिवाइड बाय यहाँ पे एन डिवाइड बाय 1 upon x1, 1 upon x2, plus 1 upon xn, इससे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये केवल टू टर्म्स के लिए मैंने दी। Suppose n terms are there, then AP, GP and HP, arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression is given by this one। याद रखिएगा, काफी important term है। अब इसके बाद हमने n term के लिए देख लिया, टू टर्म्स के लिए देख लिया, और जब किसी एच पी को डिफाइन भी किया है, सपोज ये एच पी में है तो ऑब्वियसली 1 अपॉन टी 1, 1 अपॉन टी 2 100% ए पी में, ये दोनों में रिलेशन है एच पी और ए पी का, याद रखिए। तो अगर हमारे अगर सपोज आपको फाइंड करने आता है, यू हैव टू फाइंड एन टर्म्स इन एच पी, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एन टर्म इन एपी में निकाल दिए, उसी का इन्वर्स कर दीजिए, ठीक है, तो वो किस पे आ जाएगा, एचपी में। जैसे एक एग्जांपल एग्जांपल लेते हैं, उसमें मान लिया, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है फाइंड द एन टर्म, फाइंड द एन टर्म, find the n term of the hp hp 1 upon 2 1 upon 2 1 upon 2 2 upon 5 and 1 upon 3 and 2 upon 7 2 upon 7, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्यूशन देखिएगा कैसे होता है। फाइंड द एन टर्म ऑफ द एचपी, ये एचपी सीरीज दी हुई है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, हमको इसका एन टर्म निकालना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पहले गिवन जो है उसको लिखते हैं, गिवन 1 upon 2 2 by 5 1 upon 3 and 2 by 7 are in HP, ye therefore 2, 5 by 2, 3, 7 by 2 are in AP, agar ye HP mein hai, to obviously uska inverse matlab kis mein hoga, AP mein hoga, to मतलब उसका रेसिप्रोकल बोल सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल किस में होगा, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, जब ये एचपी में है तो ये एपी में होगा, अब जब एपी में है दैट मींस दैट इज टी वन इक्वल टू टू, टी टू इक्वल टू 5 by 2, टी थ्री इक्वल टू 3, टी फोर इक्वल टू 7 by 2, हमको n टर्म निकालना है, n टर्म, तो n टर्म तो tn से रिप्रेजेंट होगा, tn इक्वल टू a, ये क्या होगा, a की वैल्यू ही रहेगी, ये इक्वल टू a रहेगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू d,
अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट अप कीजिए, 2 प्लस n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस 1 4 है ना, n 4 टर्म है ना, तो n को 4 होगा, एंड d हमने लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है, n टर्म हमको निकालना है यहाँ पर, n टर्म इसमें नहीं, इसमें n की वैल्यू ये डॉट डॉट है, ये आगे रहेगा, तो यहाँ पे भी ये डॉट डॉट रहेगा, तो n की वैल्यू 4 नहीं होगी, n की वैल्यू n ही रहेगी, हाँ d की वैल्यू रहेगी यहाँ पे d इक्वल टू 1/2, बिकॉज ऑफ 5/2 माइनस 2 1/2, 7/2 माइनस 3 1/2, 3 माइनस 5/2 1/2, तो याद रखिएगा d की वैल्यू 1/2 रहेगी, तो यहाँ पे 1/2 हम पुट कर देंगे, वैल्यू कितना आ रहा है, 2 प्लस n माइनस 1 1/2, तो यहाँ पे आप देखिए 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 3 प्लस n डिवाइड बाय 2, ये tn किसका आया, ap का है ना, ये n टर्म, n टर्म इज n टर्म इन ap, ये ap में है ना n टर्म, तो इसका gp में hp में n टर्म क्या होगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, दैट मींस इसका जब पूरे का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां पे अपन लिख सकते हैं, therefore 1 upon tn, that means tn equal to 2 by 3 plus n in is nth term in hp हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जब हमने उसका रेसिप्रोकल ले लिया है तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो गया, यहाँ पे ए बी में था, एच पी में होने के बाद ये 3 प्लस एन बाय 2 को 2 बाय एन प्लस, मतलब हमको एच पी का निकालना है एन टर्म, हमने ए बी का निकाला है उसी का रेसिप्रोकल ले लिया, यही प्रोसेस आपको हर प्रॉब्लम में यूज करना, ध्यान रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अगर फाइंड द एन टर्म ऑफ एच पी, एच पी में हमको अज्ञात रखिएगा ये डॉट डॉट है, मतलब यहाँ पे अभी फिक्स स्टेप नहीं है, फाइनाइट स्टेप, फाइनाइट टर्म्स इज नॉट देयर, इनफाइनाइट टर्म्स है, मतलब एन की वैल्यू अपने को नहीं मानती, तो हमें 1/2, 2/5, 1/3, 2/5 उसका निकालना है, तो गिवन हमने ये देख लिया आर एच पी, तो ये होगा ए बी में, जस्ट इसका रेसिप्रोकल ले लिया हमने स्टेप थर्ड टर्म का, तो वो एच ए बी में होगा, तो टी वन मतलब फर्स्ट स्टेप ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, और डी हमने दो के डिफरेंस निकाले, कंटिन्यू सक्सेसिव स्टेप्स के डिफरेंस हमने निकाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे ए इक्वल टू दिस वन, वी नो दैट एन टर्म इन ए पी इज गिवन बाय दिस वन, इसमें वैल्यू रख दिया है, वैल्यू रख के हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, जब एन टर्म ए पी में आया उसी को हमने रेसिप्रोकल करके एच पी में बता दिया, दैट मीन्स हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि इसका एन टर्म इससे रिप्रेजेंट होगा, गॉट इट, तो याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम, वन मोर प्रॉब्लम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसको ध्यान से देखिएगा, काफी लिख लीजिएगा पॉज करके, यहां पे देखिए क्वेश्चन है, इंसर्ट आया हुआ प्रॉब्लम है, इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन
between 2 by 9 and 1 by 12, so that the resulting sequence, resulting sequence is in HP, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हमको इसका रिजल्टिंग सीक्वेंस चाहिए। हमको इंसर्ट एनी टू नंबर्स, देखिए आप क्वेश्चन अच्छे से पहले पढ़ लीजिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉन्सेप्चुअली। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 2 by 9 एंड 1 by 12 सो दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एपी, मतलब ऐसे दो नंबर एंटर करना है ये दो नंबर के बीच में और जो 4 नंबर की सीरीज बनेगी वो एचपी में होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पहले समझ। तो हमने मान लिया लेट H1 एंड H2, मान लिया हमने कि रिक्वायर्ड नंबर 1/H1 1/H2 मान लेते हैं, ठीक है, कि ये एक सीरीज में मतलब दो नंबर हम इंटर कर रहे हैं तो एचपी में हमको कैसे चाहिए। लेट H1 and H2 आर टू नंबर्स such that 2 by 9, 1/H1, 1/H2, 1/12 are in H. हमने मान लिया कि टू नंबर्स 1/H1, 1/H2 आर टू नंबर सच दैट 2 by 9, 1/H1, 1/H2, 1/12 आर इन HP, मतलब एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब ये HP में है तो ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, देयरफॉर 9/2 H1, H2 एंड 12 आर इन AP, got it? हमने इसको इक्वेशन 1 दिया और हमने ये लिख लिया आर इन AP। अब AP में ये है तो ऑब्वियसली दैट इज T1 इक्वल टू 9/2, T2 इक्वल टू H1, T3 इक्वल टू H2 एंड T4 इक्वल टू 12। ये हमने क्योंकि फोर्थ है ना, फाइनाइट स्टेप्स है, फाइनाइट इनफाइनाइट स्टेप नहीं है, दैट मीन्स n इक्वल टू दैट इज a इक्वल टू 9/2 एंड n इक्वल टू 4, ठीक है, ये याद। तो यहां पर अब हम इसको एक ये दे रहे हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब वी नो दैट इन बाय एपी एंड टर्म, वी नो दैट हमने क्या किया, एचपी में आगे सीरीज हमने दो इंसर्ट कर दिया, नंबर एचपी ले लिया, उसका रेसिप्रोकल को हमने एपी बता दिया। एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म ही है, टोटल 4 टर्म्स आर देयर, दैट मींस n इक्वल टू 4, फर्स्ट टर्म इज 9/2, ठीक है, ये 2 by 9 है तो 9/2 हो गए एपी में। तो वी नो दैट nth टर्म इन एपी इज pn इक्वल टू इज गिवन बाय Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, गॉट इट।
गुड, यहाँ पे एक अपन इसको इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन थ्री। अब फुट एटीएन गुड एन इक्वल टू फोर इन इक्वेशन थ्री वी गेट क्या आ जाएगा यहां पे टी फोर इक्वल टू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी 9/2 या अभी हम ए लिखते हैं यहाँ पे ए प्लस एन इक्वल टू फोर की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए टी फोर, टी फोर की वैल्यू कितनी है, टी फोर की वैल्यू, टी फोर की वैल्यू 12 इक्वल टू ए की वैल्यू 3/9/2 प्लस 4-1 3 इंटू डी, यहाँ पे लिख दीजिए बाय इक्वेशन टू। इक्वेशन टू से तो वैल्यू रखे ना हमने पूरी। अब यहाँ पे ये 12 आ गए, अब यहाँ पे देखिए 12-9/2 3d, 3d इक्वल टू क्या जाएगा 15/2 दैट मीन्स डी इक्वल टू 5/2। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू 5/2 इन ए पी क्या आ जाती है। ठीक है, ये एन टर्म के फॉर्मूले से हमने डी की वैल्यू फाइंड किया। अब डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब अगर हमको निकालना है वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ एन, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ ए, वी आर हैविंग वैल्यू ऑफ डी, देन इजीली वी कैन फाइंड टी टू एंड टी थ्री। तो अगेन पुट, अगेन पुट एन इक्वल टू टू इन इक्वेशन थ्री। इक्वेशन थ्री में अगर हम पुट करेंगे एन इक्वल टू टू क्या आएगा टी टू इक्वल टू ए, ए की वैल्यू 9/2 या पहले हम ए लिखते हैं ए प्लस 2 पुट किए तो यहाँ पे क्या रहेगा 2-1 इंटू डी। अब वैल्यू पुट कर दीजिए टी टू की वैल्यू कितनी है, टी टू की वैल्यू, टी टू की वैल्यू एच वन, यह है एच वन, दिस वन इज है ना एच वन, टी टू, टी टू क्या है ये टी टू की वैल्यू है एच वन, तो हमने यहाँ एच वन दे दिया। ए की वैल्यू 9/2 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई थी 5/2, तो यहाँ पे एच वन इक्वल टू कितना आया 14/2 दैट मीन्स देयरफॉर एच वन इक्वल टू 7। यहाँ पे आपको एच वन की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, एंड अगेन सिमिलर पैटर्न में अगेन put n equal to 3 in equation 3। equation 3 में हम put करेंगे, equation 3 हमारा ये है, equation 3 में आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे put कर रहे हैं n equal to 3 तो कितना आएगा t3 equal to a plus n minus मतलब 3-1 into d That means T3, अब T3 की वैल्यू कितनी है H2, यह है T3 की वैल्यू H2, तो यहाँ पे क्या जाएगा H2, A की वैल्यू 9/2 2 इंटू 5/2। अब यहाँ पे देखिए H2 इक्वल टू क्या जाएगा H2 इक्वल टू 19/2 19/2 That means ये हमारी वैल्यू कौन सी आ गई H2 की। अब हमको H1 हमने क्या अज्यूम किया था, ये सीरीज थी H1 H2 में निकालना, तो इक्वेशन 1 में H1 H2 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये 12 है याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 जो है
इसमें पुट कर देंगे एच वन एच टू की वैल्यू, तो यहाँ पे आप देखेगा पुट वैल्यू ऑफ एच वन एंड एच टू इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन वन 2/9 1/7 अब क्या था 19/2 तो 2/19 1/12 ये आ गया सीरीज। दैट इज हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, दैट इज टू नंबर 1/7 एंड 2/19 इंसर्टेड इन बिटवीन 2/9 एंड 1/12 गेट इट। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा ये क्या है इन एच पी, ये आ गया ना, हमने यहाँ पे एच पी तो लिखा था ना, आर इन एच पी, तो यहाँ पर ये एच पी में है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, दैट मीन्स हम 1/7 2/9 इंसर्टेड इन बिटवीन 2/9 एंड 1/12 ये पूछा था ना, 2/9 एंड 1/12 बिटवीन इंसर्टेड टू नंबर्स बिटवीन 2/9 एंड 1/12 सो दैट द रिजल्टिंग सिग्नल इन एच पी, मतलब ये रिजल्टेंट सीक्वेंस इन एच पी आ गया आपका, ये एच पी आ गया, तो एच पी में हम इंसर्ट कब करते जब यहाँ पर ये हो, तो ध्यान रखिएगा 2/9 एंड 1/7 एंड 2/9 एंड 2/19 इंसर्टेड इन बिटवीन 2/9 एंड 1/12, तो ध्यान रखिएगा। फिर रिव्यू करते रहा हूँ, मान लिया ये दो नंबर इंसर्ट करना था ये दो नंबर के बीच में, और जो रिजल्टिंग सीरीज की वो लाना था एच पी में हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो यहाँ पे हमने देखा जो सीक्वेंस है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, हमने अज्यूम कर लिया 1/H1 1/H2 आर टू नंबर सच दैट 2/9 1/H 1/H2 1/12 आर इन एच पी। अब जब ये एच पी में है तो ये ए पी में होगा, उसका रेसिप्रोकल निकाल दिया स्टिल फर्क होगा तो एच ए पी में होगा, और फिर ए पी में होगा तो हमने अज्यूम कर लिया T1, T2, T3, T4 बिकॉज ऑफ फाइनाइट सीरीज आर देयर, फाइनाइट सीक्वेंस आर देयर, दैट मीन्स वी आर टेकिंग T1, T2, T3, T4 T2 और T3 तो H1, H2 T1 9/3, T4 12 है, यहाँ पे A=1 फर्स्ट टर्म A=9/2 है, N=4 तो N=4 we know that in the end term in AP arithmetic progression में हमने देखा है end term इससे दिया जाता है dn a plus n minus 1 into d से, फिर but put n equal to 4 in equation 3, मतलब इस equation में n equal to 4 put किया हमने, तो t4 equal to a plus 4 minus 1 into d, अब 4 minus 1 मतलब 3d 9/2, और t4 की value लिखती है, t4 की value 12 हमने रख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू आ गई, डिफरेंस d की वैल्यू आ गई, तो d की वैल्यू आने के बाद हमने t2 और t3 टर्म्स जो हमने h1 h2 से रिप्रेजेंट हो रहे थे ap में, हमने h1 h2 की वैल्यू पुट कर दिया, h1 h2 की वैल्यू गेट कर लिया बाय द इक्वेशन 3 है ना, तो इसका यूज करके हमने h1 h2 की वैल्यू निकाल लिया, h1 h2 की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन वन तो एच पी सीरीज है हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, H1 H2 है उसमें वैल्यू पुट किया तो 1/7 आ गया, 2/19 19/2 था तो 2/19 हो गया, 1/12 इन एच पी दैट मीन्स 1/7 एंड 2/19 इंसर्टेड इन बिटवीन 2/3 एंड 1/12 ठीक है, फॉर आप लिख सकते हैं फॉर एच पी हार्मोनिक प्रोग्रेशन के लिए ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इस कंसेप्चुअली इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका यूज होगा, पॉज करके देखिएगा
समझते हैं, आ जाएगा आपको वन और टू टाइम्स आप देखिएगा वीडियो, क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान में रखिएगा।